नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, ईरान ने अब तक टोटल 3 हमले किए हैं, मिसाइल से, रॉकेट से, अमेरिका के सैन्य ठिकानों और उसके एम्बेसी के आसपास। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया है, नकार दिया है कि ईरान के किसी भी हमले में हमारा कोई व्यक्ति मारा नहीं गया है, हमारा कोई सैनिक मारा नहीं गया है। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है अमेरिका कुछ तो छुपा रहा है या फिर ईरान कुछ तो पता नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया के दौरे पर अचानक पहुँचे। सीरिया के दौरे पर पहुँचने का मतलब सिंपल सी बात है कि उनकी सेना भी वहाँ सीरिया में युद्ध कर रही है। तो सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में रशिया ने अचानक पैर रखकर सीरिया में एक क्या ऐसा कुछ कर दिया कि अमेरिका थोड़ा शांत हो गया। नहीं तो दोस्तों, आप सभी को पता है, ये अमेरिका है, भले ही उसका कोई सैनिक या फिर कोई आदमी मारा न गया हो, लेकिन अब उसके आर्मी बेस पर, उसके एम्बेसी के करीब हमला करके बच जाओ या फिर अमेरिका कुछ न करे, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक हो सकता है दोस्तों। या फिर इसके पीछे कुछ न कुछ तो ऐसा गेम पक रहा है कि अमेरिका इतना शांत बैठा हुआ है। जैसा कि आप सभी ये भी जानते हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने यह भी कहा कि हम शांति चाहते हैं, ईरान सीधे रास्ते पर आए, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि इतना अमेरिका इतना शांत क्यों होगा, इतना पोलाइट क्यों हो गया, मतलब इतना क्यों नरम पड़ गया ईरान के सामने। तो दोस्तों, इसमें रूस का फैक्टर ज़रूर हो सकता है, रूस के राष्ट्रपति का फैक्टर ज़रूर हो सकता है। उन्होंने अचानक सीरिया का दौरा किया, इससे अमेरिका के पास ज़रूर मैसेज गया होगा कि अगर हम ईरान को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो रसिया ज़रूर बीच में कूदेगा ही कूदेगा। इसी सब कुछ देखते हुए अमेरिका थोड़ा शांति के रास्ते पर आया है। और दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने भी अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। पहले सऊदी अरेबिया बोल रहा था कि हम अमेरिका के साथ है, अमेरिका जो भी करेगा उसके साथ है, ईरान के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया भी बोल रहा है कि नहीं, हम अमेरिका के साथ नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम खाड़ी के देशों में युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि अगर ईरान पर युद्ध होगा तो सऊदी अरेबिया पर भी युद्ध हो सकता है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान का भी सपोर्ट अमेरिका को थोड़ा बहुत मिलने की चांस थे, लेकिन पाकिस्तान ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि न तो हम ईरान के साथ है, ना हम अमेरिका के साथ है। रूस का फैक्टर बहुत बड़ा होगा कि रूस के रहते हुए अमेरिका कभी डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा, बट कुछ न कुछ करेगा ज़रूर, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अब ये युद्ध न्यूक्लियर युद्ध होगा, मतलब परमाणु युद्ध होगा। इससे भी अमेरिका डरा सहमा हुआ है, कुछ सोच विचार कर वो युद्ध करेगा, बट करेगा ज़रूर ऐसा लग रहा है दोस्तों।